नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मुन्नार में इको पॉइंट में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, दिस इज़ इको पॉइंट, वन ऑफ द वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। और मैं क्या लैब रिपोर्ट तो बना लिया था इस प्रोडक्ट का अभी मैं दो एक प्रोडक्ट कैरी कर रहा हूँ अपने ट्रिप में। सोचा थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम कैरी तो कर रहे हैं और आप लोग पूछे भी थे पर वीडियो बन नहीं रहा था। एटलीस्ट इफ़ आई रिकॉर्ड यू नो तो आ जाएगा। तो ये है वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन प्लानट डविस्को वे प्रोटीन। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोडक्ट, ओके। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि हूँ यहाँ पर, जस्ट आई एम जस्ट हियर, तो मुझे लगा कि अच्छा लोकेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट सा वीडियो करते हैं उसलिए। अगर आपको न्यूट्रिशन प्लानट के बारे में मालूम है तो आपको मालूम होगा कि दे आर क्वाइट ओन ओल्ड कंपनी। और क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में ये है कि जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती है, तो वो कंपनी का एक एम होता है, एक मोटो होता है अच्छा चीज़ डालने का, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने का। तो दिस इज़ ऑल्सो डविस्को वे प्रोटीन। जैसे आपको मालूम है डविस्को जो नेम है, इनका वेबसाइट का नाम भी davisco.in, ये डोमेन ये ले लिए थे, इट्स अ वेरी क्लेवर मूव। इट्स अ लॉन्ग आई मीन ओल्ड प्रोडक्ट, और दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट इट कि ये ओल्ड प्रोडक्ट है। मैं ये यूज़ किया हूँ बहुत बार पहले, पर ऐसा कोई वीडियो रिव्यू नहीं किया था। पर आप लोग बोले थे अभी दिस इज़ कमिंग एट अ प्रॉपर रेंज, आई मीन नॉट वेरी चीप, बट जितना थोड़ा सा बजट में आ रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। मिक्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। एज आई सेड, कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम से चल रहा है, जैसे ऑन बहुत दिन से चल रहा है, कोई और भी ऐसा प्रोडक्ट बहुत दिन से चल रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट बनता है, तो इसके ऊपर भी सिमिलरली ट्रस्ट बनता है। और इट डजंट, इट्स नॉट एनीथिंग वेरी स्पेशल थिंग, वेरी सिंपल थिंग, राइट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डालते हैं, डैंथम गम डालते हैं, एसएलएल पोटेशियम और सुक्रोलोज डालते हैं स्वीटनर के लिए, और कोको डाल देते हैं, कलर फ्लेवर हो गया, बस बनता बिंदास। मतलब वेरी ओल्ड स्कूल्ड वे प्रोटीन जो होता है, ब्लेंड भी नहीं है, दिस इज़ नॉट इवन अ ब्लेंड, इट्स कॉन्सेंट्रेट ओनली। तो उस हिसाब से, जैसे अगर आप एक वनीला प्रोडक्ट देखते हो ना, मतलब बेस प्रोडक्ट देखते हो, ऐसा टाइप प्रोडक्ट है, बट डज द जॉब वेरी वेरी वेल। इसका अगर मैं आपको यहाँ पे ग्रैन्यूल दिखाता हूँ, तो आपको दिस इज स्टिल नाउ दे यूज डविस्को फ्रॉम एग्रोपोर। इसका जो ग्रैन्यूल होता है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द अदर वंस दैट यू सीन, बिकॉज ये थोड़ा सा ग्रेनी होता है। जो भी डविस्को एक्चुअल डविस्को यूज़ की हो पहले, वो डविस्को का हो या फिर एग्रोपोर का हो, जिसका भी हो, दे हैव अ वेरी ग्राइनी ग्रैन्यूल, मोस्ट ऑफ देम। दे हैव 2-3 प्लांट्स कैनेडा में या यूएस में, तो उसमें से मोस्ट प्लांट्स का जो चीज़ आता है वो ग्रेनी होता है, तो ये भी थोड़ा सा ग्रेनी है। डाइजेशन में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लोग डाइजेजाइम डाल देते हैं इसमें, तो अगर आपको थोड़ा सा इशू है, जैसे मुझे कोई इशू नहीं, मुझे डाइजेजाइम भी नहीं चाहिए होता, फिर किसी को चाहिए होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका लैब रिपोर्ट भी मैं बनवाया था विथ हैवी मेटल्स, इसलिए क्योंकि इट वॉज़ वेरी डिमांडेड एंड आई हैव यूज्ड इट, आई नो प्रोडक्ट तो अच्छा होगा, थोड़ा सा हैवी मेटल का कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा टेंशन होता है, तो मैं पहले हैवी मेटल नहीं करता, पहले प्रोटीन टेस्ट करते हैं। तो इसका जैसे प्रोटीन टेस्ट भी आप देखोगे, एजीज में जो नंबर आया है वो ठीक ठाक है, क्योंकि उसके थोड़ा सा ज़्यादा आता है ना, तो आपको टेंशन हो जाता है कि 80% में अगर आप फ्लेवर्ड वगैरह डाल के बनाते हो ये चीज़, तो उससे ज़्यादा, जैसे 73 के पास चल रहा है इसका एजीज 6.8 जोन्स फैक्टर, सो इट्स परफेक्ट। और हैवी मेटल करने का ज़रूरत इसलिए है कि देखिए, प्रोडक्ट तो ठीक है, पर उसमें जो हानिकारक चीज़ें होते हैं जिनको मालूम नहीं है, जो कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, दीज आर वेरी बैड, लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिफॉर्मिटीज कर सकते हैं, दे हैव कार्सिनोजेनिक इफेक्ट समटाइम्स, एंड WHO हमेशा कहता है आप इस चीज़ों से दूर रहो एक मात्रा से ऊपर, दैट्स व्हाई आई डू इट, और हमने किया भी है, एंड द नंबर्स लुक एब्सोल्युटली फाइन, जो लिमिट होता है उसे नीचे है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। नाउ कमिंग टू द थिंग दैट हाउ मच आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट और ब्रांड, और जहाँ पे आप लोग बोलोगे स्पॉन्सर्ड वगैरह ये सब चीज़ें, राइट। देखो सिंपल बात है, मैं न्यूट्रिशन प्लानट हो गया, ऐसे कुछ कुछ कंपनी है जिनके प्रोडक्ट बहुत पहले से यूज़ किया हूँ, बहुत लोग यूज़ किए हैं, पर इनका एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी उतना नहीं होता है कि लोगों को इनके बारे में मालूम कम पड़ता है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कम है, तो आपको ब्रांड के बारे में मालूम कम है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा बढ़िया है, नया है, ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोडक्ट। आपको अगर लेते हो, अगर आप नहीं लेते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन, ये जो आंटी पीछे से गई, शी वर्क्स इन द टी फैक्ट्री बाय द वे, तो आप लेते हो नहीं लेते हो ये आपका बात है। जो हमें जो रिक्वेस्ट किया गया था, जो लोग हमें रिक्वेस्ट किए, उनका मतलब इंस्टा के DM में उनका मेन कंसर्न था, अभी कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा चीज़ लाइए जिसका कॉस्टिंग थोड़ा सा लिमिट में हो, और इट्स ए गुड प्रोडक्ट, यू कैन ट्रस्ट, एंड उसका थोड़ा लैब बना लो, तो दैट्स वाई आई डिड दिस।
और अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क्ड के डेविस्को का ये आ रहा है, आप बताओ भैया, बहुत दिन से चल रहा है पर हम लोग यूज़ नहीं किए. बहुत लोग बोले हम यूज़ किए हैं पर अभी के लिए इज़ इट द सेम, क्योंकि एंड दे आर क्वाइट ट्रस्टेड. इनका गोल्ड वे भी मैं यूज़ किया हूँ, दैट्स ऑल्सो गुड बट दैट्स अ बिट कॉस्टली. दिस इज़ आई थिंक अ लिटिल कॉस्ट इफेक्टिव. इसका एक आइसोलेट आता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है वो, पर ये कॉन्सेंट्रेट मेरे ख्याल से 1700 उस रेंज में आएगा. मैं एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा यहाँ पे, लैब रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट तो डाल ही दिया हूँ, आप देख लो, और उसका लिंक भी है. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट इफ़ यू वांट टू. मेरे पास कोड नहीं है जी, मेरे पास कोड वोड नहीं है. अगर इनका कोड जुगाड़ करते हो, इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हो, शायद थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल जाए. मैं अमेजोन से लिया था, अमेजोन में कुछ 1700 रेंज में आता है ये. इट्स अ गुड चॉइस. 2 pound है, ओके, इट्स नॉट 1 kg, इट्स अ 2 pound कॉस, एंड उस हिसाब से ठीक ठाक ही है प्राइस इसका. जो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि ये बात हमेशा याद रखो, ये जो प्रोफाइल डालते हैं यहाँ पे, ये लोग भी डाल रहे हैं, दिस इज जस्ट अ टिपिकल वे प्रोटीन प्रोफाइल फॉर अमाइनो एसिड, दिस इज़ नॉट टेस्टेड, मोस्ट कंपनीज डोंट टेस्ट. तो आई कैनॉट टेल कि इसके इसमें इतना ही है कि नहीं है, उसके लिए मुझे अमाइनो एसिड प्रोफाइल करना वगैरह करता है. पर देखो, जनरली सच अ लॉन्ग रनिंग प्रोडक्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है. I think it's very good. I think it's in the budget. And another very interesting thing about this product के आपने में से जो भी यूज़ किया हो, आई डोंट नो इफ यू आपने गौर किया कि नहीं, इसका जो ऊपर ये जो अजीब सा पैटर्न देखते हो ना आप, अजीब सा छुप छुप करके पैटर्न है, दिस इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द सर्फेस ऑफ मून. तो इंटरेस्टिंग थाट प्रोसेस है इनका. तो दैट इज़ द प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी सिंपल इंग्रीडियंट, बेसिक इंग्रीडियंट टाइप प्रोडक्ट है. और मैंने रिव्यू किया है आयरिश क्रीम चॉकलेट को, ज़्यादा मीठा नहीं है, पर ये तो आपका सुक्रोलोज और एसएलएम पोटेशियम जो चीज़ें जाते हैं वो चीज़ों को मीठा बनाने के लिए होता है. तो ऐसा नहीं कहूँगा ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब डिपेंड करता है ना, आप 3 चम्मच शक्कर लेते हो चाय में तो आपके लिए क्या मीठा है, और मैं अगर शक्कर ही नहीं लेता हूँ मेरे लिए क्या है. तो इस हिसाब से मेरे लिए ज़्यादा मीठा नहीं है, वेरी गुड टेस्टिंग, और इसका टेक्स्चर लाइट ब्राउन कलर का है, डाइजेशन में कोई इशू नहीं होता है. एंड मोस्टली आई थिंक जो पीपल ये यूज़ किए हैं, दे हैव ऑल गिवन गुड फीडबैक अबाउट इट. मैं लोगों को पूछा भी हूँ कि सो फार इफ़ यू यूज्ड इट व्हाट यू थिंक, तो उनका एनेक्डोटल एविडेंस है ये अच्छा है. तो अगर आप में से कोई यूज़ किया हो वो भी नीचे लिख दीजिए. एंड आई फेल्ट रिकॉर्डिंग इट लाइक हियर दिस वे इज अ गुड थिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट. चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बाय.